नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ शोभनी पटनायक। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की चार बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें पहली बड़ी खबर दिल्ली से है, जहां पीएम मोदी ने 28 मई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई है। दूसरी खबर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से जुड़ी हुई है, जहां महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढानी बाटोटा में मंडलाना और सिहमा समेत कई गांवों में ग्रामीणों से जनसंवाद किया। और तीसरी खबर फरीदाबाद से है, जहां प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को भारी भरकम होमवर्क से मुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। वहीं चौथी खबर भिवानी से है, प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आए 10वीं और 12वीं के कम परीक्षा परिणाम विभाग के लिए जहां चिंता का विषय बना हुआ है। तमाम चार बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां पर शुरुआत करेंगे 2024 की तैयारियों में जुटी बीजेपी और 28 मई को बैठक बुलाई गई है। सभी बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम के साथ ये बैठक बुलाई गई है। बैठक काफी महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से भी, और ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस बैठक का क्या मुख्य उद्देश्य रहेगा। वहीं दूसरी खबर महेंद्रगढ़ के दौरे पर सीएम मनोहर लाल है, इस दौरान जनसंवाद किया है सीएम ने, जनता की समस्याओं को भी सुना और समस्याओं के समाधान के लिए भी निर्देश दिए गए। चौथी खबर जहां चार सेक्शन में बांटी गई छुट्टियां और जिस तरीके से गर्मी का भी प्रकोप बढ़ रहा है, बच्चों के लिए स्कूल जाना दुभर हो चुका है, जिसकी वजह से छुट्टियां जो है वो घोषित की जा रही है और अब टीचर्स की क्लास लगाई जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से परीक्षा परिणाम आए हैं और नंबर कम आने पर अब टीचरों से सवाल किया जा रहा है कि आखिर बच्चों के नंबर्स कम कैसे आए हैं, किसकी लापरवाही की वजह से बच्चों के नंबर कम आए हैं। और इन तमाम बड़ी खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे, जहां 2024 की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है और बीजेपी द्वारा पुरजोर तैयारी जो है वो देखी जा सकती है। इसको लेकर 28 मई को एक अहम बैठक बुलाई गई है बीजेपी द्वारा, यहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने यह बैठक बुलाई। इस बैठक की अध्यक्षता पीएम मोदी करेंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई। प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी के सभी मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बीजेपी पार्टी मुख्यालय में गए बैठक होगी, वहीं राज्य में चल रही योजनाओं की जानकारी भी लेंगे पीएम। लोकसभा चुनाव को लेकर भी बैठक में मंथन किया जाएगा। वहीं जानकारी के मुताबिक बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज शाम दिल्ली पहुंचेंगे और बैठक को लेकर तैयारियां जो है वो कर ली गई है और 28 मई को यह बैठक होने जा रही है। सीएम मनोहर लाल भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के मद्देनजर हर प्रदेश में क्या कुछ कार्य चल रहे हैं, इसका फीडबैक पीएम मोदी लेंगे। बीजेपी प्रवक्ता विधु रावल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रोफेसर विधु रावल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विधु जी, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि 28 मई को बैठक बुलाई गई है, ऐसे में किन किन मायनों में यह बैठक जो है महत्वपूर्ण है? शावनी जी, 30 मई को जो बैठक है, जिसमें सभी भाजपा शासित और जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का मिलना रहेगा। बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इन 9 साल में हमने आंखों के सामने भारत को बदलते हुए देखा, भारत की तस्वीर को बदलते हुए देखा, भारत की तकदीर को बदलते हुए देखा। हमने देखा है कि किस प्रकार से भारत में विकास की लंबी लंबी ऊंची ऊंची पीढ़ी भरी हैं, किस प्रकार भारत जो है एक समय जो दुनिया के अंदर अपनी अपनी हैसियत से बहुत बहुत कम आका जाने वाला देश जो था, जिसको पश्चिमी देश जो है बहुत सीरियसली नहीं लिया करते थे, उस देश का आज एक के बाद एक देश आकर भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किस प्रकार भारत का मान सम्मान बढ़ा है, हमारी आन बान और शान बढ़ी है, भारतीय नागरिक का सम्मान बढ़ा है, इसको देखते हुए निश्चित तौर पर जिस प्रकार से प्रदेशों में भी हमारे बहुत अच्छा काम हुआ है, विशेष रूप से जहां जहां पर भी डबल इंजन की सरकारें हैं वहां पर जिस प्रकार केंद्र के साथ मिलकर राज्य ने किस प्रकार से विकास की रथ को बहुत तेजी से आगे बढ़ाया है, जिसका लाभ जनसाधारण को मिला है, जनता को मिला है, उस लाभ का एक बार आकलन भी होना चाहिए, उसकी चर्चा भी होनी चाहिए, उसकी परिचर्चा भी होनी चाहिए और साथ साथ उसको कॉन्ट्रास्ट करना चाहिए, तुलनात्मक समय अध्ययन करना चाहिए, किस प्रकार कांग्रेस के राज में लूट खसूट कर हिंदुस्तान को और हिंदुस्तानियों का सब धन लेकर इटली के ये लोग जो है अपने अपनी जेबें भरा करते थे, 10 जनपद तक
जो है किस प्रकार भारत का सभी लूटे हुए संसाधन पहुंचते थे, पहले अंग्रेज लूटा करते थे और उसके बाद अंग्रेजों के जो एजेंट दस जनपद में बैठ गए उन लोगों ने भारत को लूटा, इसका एक तुलनात्मक अध्ययन भी होना चाहिए। उस नाते से ये बैठक बहुत 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 महत्वपूर्ण है। इन 9 सालों में भारत ने, बदलते हुए भारत ने, बढ़ते हुए भारत के कदमों को इस प्रकार से इस देश ने देखा है, उस पर बारंबार चर्चा होनी चाहिए। ये बैठक उसी का ये ठीक है प्रोफेसर विधु आपके पास लौटूंगी। केवल ढिंगरा कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केवल ढिंगरा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। 28 मई को एक बड़ी बैठक पीएम मोदी करने जा रहे हैं तमाम बीजेपी शासित प्रदेशों के सीएम के साथ। बीजेपी की तो तैयारी दिख रही है चुनाव में, कांग्रेस की क्या तैयारी? बीजेपी की तैयारी है कहां? आप देखिए जिनके हालात जो है ना खराब होते जा रहे हो, जो ये चाह रहे हो कि हम इस पार्टी से मुक्त कर देंगे भारत को, कभी कहते हो हम 2 करोड़ रोजगार दे देंगे, कोई कहते हो नाम लिया कीजिए ना, 15-15 लाख रुपए लोगों के खाते में डालेंगे, कोई कहते हो हमने डबल इंजन की सरकार बना ली। वो इंजन कहाँ गया? वो तो टूट गया, कर्नाटक में टूट गया, हिमाचल में टूट गया इंजन। इंजन कैसे टूटता है? जब आप बेरोजगारी फैलाते हो, महंगाई फैलाते हो, जब आप लोगों की मंशा के अकॉर्डिंगली काम नहीं करते हो, जब आप बिजनेस खत्म कर देते हो, जब आप जीएसटी की 100-100 बार इम्प्लीमेंटेशन करते हो, एक बार जीएसटी बनाकर फिर उसके बाद ये कहते हो कि हमने बड़ा अच्छा काम किया। अब लोगों को भी तो अच्छा काम लगना चाहिए। 100-100 बार मन की बात करते हो, मन की बात तो कर रहे हो लेकिन लेकिन जो लोगों की व्यथा है, जो लोगों की बात है वो नहीं सुन रहे। तो ऐसे में कौन सा डबल इंजन और कौन सा ट्रिपल इंजन? इनके सारे इंजन धारा सही हो गए, फेल हो गए। अब सारे इंजन फेल हो गए तो लोग इनसे विमुख हो गए। आज ही मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री के बाहर जो है वो जा रहे हैं लोगों के संवाद करने, और लोग ही गांव के लोग पूरे उनके अगेंस्ट खड़े हो गए और ये पुलिस लगा के उन गांव के लोगों को रोकने में लग गए। कौन सा ऐसा काम कर रहे हैं? ये तो इनको समझ में आ रहा है कि जो जूतों में दाल बट रही है वही तो सिस्टम हो रहा है, वही तो ये बात बता रहे हैं और कह रहे हैं कांग्रेस ने गलत काम किया। कांग्रेस ठीक काम कर रही थी, ये लोग गलत काम करने के लिए 8.5 साल के अंदर देश का बंटाधार कर दिया। 100 लाख करोड़ मोदी जी ने 8.5 साल के अंदर देश पे लोन ले लिया और खट्टर साहब ने 4 लाख करोड़ हरियाणा पे लोन ले लिया। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ये लूट खसूट की जो काम कर रहे हैं इसी का ही तो जो प्रकरण है। इन लोगों की महंगाई बढ़ रही है, हालत खराब हो रही है, डॉलर का रेट कहाँ चला गया, क्या कर रहे हैं? कौन सा इंजन है इनका? इंजन तो फूट चुका है। ठीक है जी, ठीक है केवल जी लौटूंगे आपके पास। प्रोफेसर विधि जी आपने केवल जी को सुना, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस तो सही काम कर रही है, गलत काम बीजेपी कर रही है। देखिए जब से इस देश के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ तभी से ये निर्मोही लोग हैं, इस देश का इंजन रोकना चाह रहे हैं। इस देश के बढ़ते हुए कदमों में किस प्रकार से बेड़ियां लगाई जाए उसके स्वप्न लेते हैं ये लोग, लेकिन इनके सपनों के विपरीत किस प्रकार भारत जो है आगे बढ़ रहा है, किस प्रकार ये 11वें नंबर पर भारत की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे जब अनर्थ शास्त्री देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, मनमोहन सिंह जी की बात कर रहा हूँ, सोनिया की मनमोहनी सरकार थी जिसमें हर रोज घोटाले हुआ करते थे, 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत की अर्थव्यवस्था 5वें नंबर पर आ गई, इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं करते, ये इस बात को भी एक्नॉलेज नहीं करते कि सोचकर ही रूह कांप जाती है कि कोरोना काल में अगर राहुल गांधी की या सोनिया गांधी की मनमोहनी सरकार होती तो हिंदुस्तान वालों का क्या होता। ये लोग तो तब भी चिल्लाया करते थे कि हमारे देश की वैक्सीनों पर भरोसा मत करो, विदेशी वैक्सीनों पर भरोसा करो। आज विदेशी वैक्सीनों की एफिकेसी जाकर 30% है और भारतीय वैक्सीनों की एफिकेसी 70 और 80% है। ये लोग तो वो लोग हैं जो हर रोज हिंदुस्तान में विस्फोट हुआ करता था, कभी वाराणसी में विस्फोट होता था, कभी लखनऊ में विस्फोट होता था, कभी कानपुर में विस्फोट होता था, कभी हैदराबाद में, मालेगांव में, मुंबई के अंदर ट्रेनों के अंदर विस्फोट हुआ करता था, दिल्ली के अंदर सजे हुए दिवाली के बाजारों के अंदर, सरोजनी नगर मार्केट के अंदर विस्फोट हुआ करता था, और मेरे तो पानीपत के अंदर भी किस प्रकार से हमें याद है समझौता ब्लास्ट हुआ था दीवाना स्टेशन पर। ये उन ब्लास्टों के समय जो है ये ओबामा उइमा चिल्लाया करते थे और कहां पर एक ऐसी सरकार आई जो आज पाकिस्तान को पाकिस्तान में ठोक कराती है और सारी दुनिया जो है पाकिस्तान को भरा भुला बनाती है। एक ऐसा समय था पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हिंदुस्तान में विस्फोट करते थे
और भारत के प्रधानमंत्री उइमा ओबामा कहा करते थे और पूरी दुनिया भारत पर हंसा करती थी, पाकिस्तान को शाबाशी दिया करती थी। आज जब भारत पाकिस्तान को पाकिस्तान में घुसकर मार कर आता है तो खुद पाकिस्तान भी पाकिस्तान के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाता। आज वो बदलता हुआ भारत है, आज वो बदलता हुआ भारत है जिसके सेंट्रल विस्ट्रा प्रोजेक्ट के खिलाफ ये लोग कहां पर कोर्ट से नहीं मार खाकर आए। आज ही सुप्रीम कोर्ट ने इनके मुंह पर जोरदार तमाचा मारा है जब ये संसद भवन के ऊपर इतने अड़ंगे इन्होंने लगाने का प्रयास किया। कुछ भी हो जाए तन ना जाए, अंग्रेजों की विरासत छोड़कर रखना चाहते थे ये, लेकिन आज जब देश को एक बड़ा सुंदर संसद भवन मिल रहा है तो ये मनहूस लोग उसके दूर होकर बहिष्कार कर खड़े हो गए। हिंदुस्तान की जनता ने भी आज सोच लिया कि कांग्रेस का बहिष्कार करना है। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को पीड़ा भूख भय दिया। आज जब बदलता हुआ भारत, डबल इंजन का भारत आगे बढ़ रहा है, उस समय इनको इंजन को पंचर करना, इंजन को खराब करने के स्वप्न देखते हैं। इन लोगों के स्वप्न पूरे नहीं होंगे, कभी पूरे नहीं होंगे। पूरे इसलिए नहीं होंगे क्योंकि इनके कुसपनों के बीच में एक व्यक्ति आ गया, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, जिनके रात को इनको सपने भी आया करते हैं, जिसको ये कहा करते थे कि कांग्रेस के दफ्तर के बाहर चाय की दुकान लगा ले मोदी। उसको इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री बनाया और उसके बाद दुनिया के बाद एक जिस प्रकार से आज चुने हुए नेता आकर प्रधानमंत्री मोदी के पैर छूते हैं, इन लोगों की आंख खुल जानी चाहिए। आज प्रिया का चक्रवर्ती सम्राट जिसको छतों पर चढ़कर दुनिया के लोग देखते हैं, जिसका अभिनंदन अभिवादन करते हैं, उन लोगों को उसके खिलाफ ये अपने किस प्रकार के मजाकिया लोग जो एक पूरा सेंटेंस पूरा ठीक नहीं बोल सकते, ऐसे लोग जो रोज नौटंकी किया करते हैं, कभी ट्रक पर चढ़ जाते हैं, कभी छत पर चढ़ जाते हैं, ऐसे लोगों के सामने कोई आपस का कोई तुलना ही नहीं है। लेकिन ये तुलना मुझे कहने की बात नहीं है, इन्होंने अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक दी जब इन्होंने कहा कि देश के लोकतंत्र के मंदिर का ये बहिष्कार करेंगे। आज देश की जनता ने कह दिया कि लो अब कांग्रेस का हम बहिष्कार करेंगे। जिस कांग्रेस को बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पर विश्वास नहीं, जिस कांग्रेस को इस देश की सेना पर भरोसा नहीं, इस देश की संस्थाओं पर भरोसा नहीं, इस देश के न्यायालयों पर भरोसा नहीं, उस कांग्रेस पर इस देश के लोगों का भी कोई भरोसा नहीं। निश्चित तौर पर कांग्रेस अपने अंतिम दिन देख चुकी है और गांधी जी का स्वप्न, और गांधी जी सब कह रहा हूँ तो असली गांधी, ये फर्जी गांधी नेहरू वाला खानदान नहीं, असली गांधी मोहनदास करमचंद गांधी का जो स्वप्न है, और वो स्वप्न क्या था, कांग्रेस मुक्त भारत। उस स्वप्न को पूरा करने के लिए जिस प्रकार से आज के जो है राहुल विंची और एंटोनियो माइनो की जोड़ी जो चल रही थी, साथ में खड़गे जी का और हरियाणा के अंदर जिस प्रकार से सपोर्ट उदय वाहन जी का और हुड्डा साहब का मिल रहा है, निश्चित तौर पर कांग्रेस शून्यता की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है और कांग्रेस मुक्त भारत का स्वप्न जो इस देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने देखा था वो स्वप्न पूरा होने वाला है। और इसके लिए मैं केवल ढिंगरा जी को अभी से बधाई देता हूँ। ठीक ठीक है प्रोफेसर विधु जी, लौटेंगे आपके पास। केवल जी, विधु जी को सुना आपने, आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी। केवल जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे हंसी आ रही है। ये कोई सभा का मंच नहीं है, ये कोई प्रवचन देने का मंच नहीं है, ये एक मीडिया चैनल है। मीडिया चैनल पे प्रवचन देते हुए भाजपा के जो संगी साथी हैं, जिस तरीके से प्रवचन दे रहे हैं, इन प्रवचनों से लोगों का पेट नहीं ना भरेगा। असल में तो चाहिए उनको विकास, लोगों को चाहिए रोटी। इन्होंने रोटी छीन ली। एक तरफ तो कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं फ्री में, और दूसरी तरफ जो है लोगों को कह रहे हैं हमने राष्ट्र को बहुत बड़ा बना दिया। कैसे 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 लोग टीवी पर आके किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, एक तरफ कुछ बोलते हैं एक तरफ कुछ बोलते हैं। इनको पहले अपने अंदर झांकना चाहिए हम बोल कह रहे हैं। ये प्रवचन का वो नहीं है मंच, ये मुद्दों का मंच है। ये पत्रकारिता जो है, अखबार जो एक मीडिया चैनल है, स्तंभ है जो, ये प्रवचन देने के लिए नहीं होता। ये इस बात को प्रमाण करने के लिए होता है कि आपको अगर 5 साल जनता ने दिए हैं तो आपने कितना काम किया उसके अंदर। आप ये कहो उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, आपने क्या किया 5 साल के अंदर? काम गिनाओ, अगर काम हो तो गिनाए। अगर आपने देश को लूटा है तो काम गिनाओ। ये है मंच के ऊपर।
ये सुनिए सुनिए भाई साहब, ठीक है, आपने प्रवचन दे ठीक है, समय की कमी हमारे पास, आप दोनों को यहीं पे रोकना चाहूंगी। केवल जी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर विधु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अगली खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री ने महेंद्रगढ़ जिले के गांव ढाणी बाठोटा मंडलाना और सेहमा में ग्रामीणों से जनसंवाद किया। साथ ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने महेंद्रगढ़ जिला के गांव सेहमा के ग्रामवासियों को बड़ा तोहफा देते हुए सेहमा को उप तहसील का दर्जा देने की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गांव के विकास के लिए ई टेंडरिंग व्यवस्था नींव का पत्थर साबित होगी। इससे जहां पारदर्शिता आएगी वहीं कार्य में प्रयोग की जाने वाली निर्माण सामग्री को गुणवत्ता को भी सुनिश्चित किया जा सकेगा, साथ ही लागत भी कम होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास कार्य करवाने के लिए सरपंचों को पूरी तरह से सक्षम किया है, अब किसी कार्य की स्वीकृति के लिए चंडीगढ़ फाइल भेजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा है कि अब सारा काम कंप्यूटर में दर्ज होगा और विकास कार्य का पूरा लेखा जोखा आसानी से रखा जा सकेगा। देखिए पार्टी का हमारा एक संस्कार होता है, हमारा अभ्यास भी होता है, मैं करता हूं अकेले ऐसे नहीं है। अब आप देखिए देश के प्रधानमंत्री हैं, यानी कितनी झील से और वो अपना काम करते हैं, लगन से करते हुए कभी थकते नहीं, एक युवक की तरह वो काम करते हैं। अभी आप देखिए ना, 6 दिन की उनकी विदेश यात्रा है, जैसे आपको गर्मी नहीं लगती है, जैसे आप दिन भर अपना लगे रहते हैं, कितना काम करते हैं आप, कितना कवर करते हैं। मैं तो आपके प्रति भी अपने मन में एक स्वभाव रखते हैं कि सारा दिन हम लगे रहते हैं, आप भी पीछा छोड़ते नहीं, लगातार लगे रहते हैं। सुबह जब मैंने वो बस का सुबह उसको हरी झंडी दी थी, वहां भी कुछ पत्रकार आए हुए थे आप लोगों में से, दिन में मैंने देखा। अगला जो मेरा गांव था कौन सा, दाणी बाठोट और फिर मंडलाना और फिर यहां सीमा, सब लोग साथ हैं। विषय ऐसे हैं जिस पर लगातार ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये कोई एक समय में चल रहे हैं दूसरे समय नहीं चलेंगे ऐसा नहीं है। इसमें तो एनफोर्समेंट का जो काम है पुलिस का वो इतना ज्यादा है कि अभी तो कई बार हम सोचते हैं कि जो पुलिस हमारी फोर्स है पर्याप्त है, कम नहीं है, लेकिन फिर भी एनफोर्समेंट विंग हमारा थोड़ा कमजोर हो जाता है। कहीं लैंड आउट की स्थिति है, कहीं धरने हैं, कहीं पुलिस को नेताओं के कार्यक्रम में। प्रदेश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में इस बार गर्मी की छुट्टियों में बच्चों को भारी भरकम होमवर्क से मुक्ति देने की तैयारी की जा रही है। शिक्षा विभाग ने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं जिसके तहत अब बच्चे होमवर्क में निबंध, सुलेख, पहाड़े, गिनती, दिखने, लिखने, रटने के बजाय एक्सपीरियंस लर्निंग पर जोर देंगे। यही नहीं, ये लर्निंग भी अब घर परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर करनी होगी। जून में पड़ने वाले 1 महीने की गर्मी की छुट्टियों को इस बार 4 सेक्शन में बांटा गया, जिसमें बच्चों को कुछ काम करने के लिए कहा गया था तो कुछ के लिए मनाही की गई थी, जैसे बच्चों को खाना खाते समय टीवी और मोबाइल देखने के लिए मना किया गया। इसके अलावा उन्हें एक मोबाइल का व्रत भी रखना होगा। बहुत फायदे हैं जो हम अपने मन में सोचते हैं, हमें जैसे बाहरों की चीजें पता चलती है कि हम बाहर से क्या खा रहे हैं उसके बारे में पता चलेगा, उसमें क्या डालते हैं, उससे क्या फायदा है और क्या नुकसान है। और हमें अपनी नाना नानी से बहुत चीजें पता चल सकती है, जैसे पहले के जमाने में कैसे पैसे चलते थे, क्या होता था, जो हमने जिंदगी देखी भी नहीं होगी, वो जिंदगी हम अपनी नाना नानी से समझ सकते हैं और सोच सकते हैं कि वो कैसी हो सकती है। तो उसमें ये है कि बच्चों को होमवर्क ना दिया जाए छुट्टियों में, ताकि उन पर बर्डन ना आए और वो खेल खेल में सीखें। तो हमारे यहाँ सरकार ने एक प्रोग्राम भी FLN चला रखा है, तो उसी में भी यही है, 1 से 3 क्लास तक बच्चों को खेल खेल में सिखाना, एक्टिविटी कराना, मतलब उनको उनके दिमाग पर बर्डन ना आए पढ़ाई का, उन्हें लगे कि हम मतलब ऐसे ही सीख रहे हैं, तो उनको प्रैक्टिकल ज़्यादा दिखाना। तो घर में भी उनको ऐसे चीज़ों के नाम, भाई ये चीज़ों के ये करके लाना, दालों के नाम, मसालों के, हाँ मिठाइयों के, मतलब उनको देख कर वो चीज़ें अपना आप ही वो। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, क्योंकि एक नई तरीके से बच्चों को पढ़ाने की कोशिश की जा रही है, होमवर्क को कम किया जा रहा है, क्या जानकारी है और ऐसे में बच्चों को कैसे फायदा मिलेगा? सर आपको बता दूं, ये हरियाणा के
शिक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा एक ये फैसला माना जा रहा है कि जिस तरीके से बच्चों को छुट्टियों में होमवर्क दिया जाता है, जो है जो होमवर्क में जो मैथ के हैं, इंग्लिश है, पहाड़े याद करना, गिनतियां याद करना, तो इस तरीके के जो होमवर्क है वो छुट्टियों के दौरान दिए जाते हैं। लेकिन इस बार जो है हरियाणा सरकार और शिक्षा विभाग ने एक ऐतिहासिक यहाँ पर फैसला लेते हुए जो पहली से और तीसरी के क्लास के जो बच्चे हैं उनको होमवर्क नहीं बल्कि प्रैक्टिकल होमवर्क यहाँ पर दिए देने का काम किया जा रहा है। कि मैं आपको बता दूं जिस तरीके से बच्चों पर जो जो ये फैसला है, एक अहम फैसला इसको लेकर के लिया गया कि जो बच्चों पर किसी तरीके का कोई बर्डन ना हो, बच्चे परेशान ना हो, बच्चे किसी तरीके से अपने आप को थकान महसूस ना हो, तो इसको लेकर के प्रैक्टिकल होमवर्क यहाँ पर देने का काम जो है शिक्षा विभाग ने यहाँ पर किया है। और सभी स्कूलों में पहली से और तीसरी क्लास तक के बच्चे हैं वो छुट्टियों के दौरान जिस तरीके से यहाँ पर शिक्षा जो 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 टीचर है वो यहाँ पर बच्चों को बता भी रहे हैं कि आपको ऐसा मतलब पढ़ाई लिखाई का होमवर्क नहीं बल्कि प्रैक्टिकल का होमवर्क आपको दिया जा रहा है। उन बच्चों को ये भी बताया जा रहा है कि अगर आप अपने नाना नानी के यहाँ घूमने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आप किस तरीके से खेल खेलते हैं या किस तरीके से आप घूमने जाते हैं, तो क्या खाना खाया आपने वहीं, आप उसके दादा दादी के साथ आपने किस तरीके के वहाँ घूमने के लिए गए हैं, दादा दादी ने आपको क्या खिलाया है, उसके साथ ही अगर आप शादी में जाते हैं तो आपने कौन सा वहाँ पर खाना खाया है, कौन सी सब्जी आपने खाई है, क्योंकि रोटी भी कई तरीके की होती है, मिट्टी की रोटी अलग होती है, तवा रोटी अलग होती है, नान रोटी अलग होती है। तो इस तरीके के जो प्रैक्टिकल यहाँ पर बच्चों को सिखाने का यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है कि अगर छुट्टियां जो जून की छुट्टियां जो पड़ेंगी उन बच्चों को जो है प्रैक्टिकल होमवर्क यहाँ पर दिया गया है। और बच्चों को जब वो बच्चे छुट्टी करके जब आएंगे तो टीचर उनसे पूछेंगे कि आपने छुट्टियों के दौरान क्या सीखा है, क्योंकि यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि जो टीचर है वो ये बताते कि अगर हम उन बच्चों को लिख करके भिंडी भी सिखाते कि भिंडी कौन सी सब्जी होती है, प्याज कौन सी सब्जी होती है, अगर बच्चा उस भिंडी की सब्जी को नहीं देखेगा तो वो भिंडी को कैसे पहचान पाएगा। तो इस तरीके के यहाँ पर एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए यहाँ पर एक प्रैक्टिकल इन बच्चों को बिल्कुल मोनू, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं बच्चों को तो इससे काफी फायदा मिलेगा ही, लेकिन अगर हम अध्यापकों की बात की जाए इससे अध्यापकों के कामों में कितनी आसानी आ जाएगी? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है मोनू से। मोनू, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आए 10वीं 12वीं के कम परीक्षा परिणाम विभाग के लिए जहां चिंता का विषय बना हुआ है, वहीं स्कूलों की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। और ऐसे में अब परिणामों को किस तरीके से बेहतर बनाया जाए उसके लिए मंथन शुरू हो गया है। आपको बता दें कि प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी किए गए 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणामों को लेकर गंभीरता दिखाई गई है। परिणामों की घोषणा के साथ ही नोटिस जारी किया गया कि जिन विद्यालयों का परीक्षा परिणाम 60% से कम है उनकी सूची तैयार की जाए और उपचारात्मक तौर पर परिणाम सुधारने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। अध्यापकों का कहना है कि प्रशिक्षण शिविरों में परिणामों को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर चर्चा की जाएगी। जिन पीजीटीज का रिजल्ट 60% से नीचे है उनको उनसे उनकी ट्रेनिंग करवाई जाएगी तो ताकि रिजल्ट में सुधार हो, उनको अपडेट किया जाएगा, नए मेथडोलॉजी सिखाई जाएंगी ताकि बच्चों को इसके डायरेक्ट फायदा हो, रिजल्ट में इजाफा हो। छः छः दिन की ट्रेनिंग है तो इसके लिए शेड्यूल आ जाएगा, जो ही सूचना SCERT पहुँचेगी तो शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा, उसके अनुसार उसको ट्रेनिंग करवाई जाएगी। हमारे शिक्षा विभाग ने अभी हाल ही में एक डिसीजन लिया है जिसके अंतर्गत 60% से कम आने वाले शिक्षकों का एक आपस में प्रशिक्षण होगा, जिसमें ये डिसीजन लिया जाएगा कि हमारा विद्यालय का परिणाम कम कैसे रहा। और मैं ये मानता हूँ कि ये जो विभाग द्वारा पहल है ये एक पॉजिटिव रिजल्ट हमारे परीक्षा परिणाम में लेकर के आएगा, क्योंकि इससे हमें आपस में डिस्कशन करने का मौका मिलेगा कि ऐसी कौन कौन सी परिस्थितियां थी जिसके अंतर्गत हमारा रिजल्ट कम रहा।
शिक्षा विभाग द्वारा समय समय पे वैसे भी पहल की जाती है किसी प्रकार से शिक्षा का स्तर स्कूलों में सुधरे, जैसे क्वालिफाइड टीचर हैं सही है, कोई ज़्यादा सी दिक्कत नहीं है, फिर भी किसी कारण से भी अगर रिजल्ट कम होता है और शिक्षा विभाग ऐसी पहल करता है तो उसका स्वागत है। ऐसा मंथन होना चाहिए, ऐसी इस तरह की जो अपडेट जो है विभाग द्वारा की जाती हैं बहुत बढ़िया है, और ये बच्चों के भी और अध्यापकों के भी स्कूलों के लिए। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतने ही, देश प्रदेश के तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। जिसने